उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तो आज की स्टूडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ हर यूट्यूबर की कैमरे के पीछे की रियलिटी। तो फ्रेंड्स अब भी हो रहा है ना, ये वीडियो बनाने का कुछ ऐसा स्पेशल मकसद नहीं था, बस यूँ ही टाइम पास, मतलब यूँ कह लो फ्री है तो अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हो तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, गला भी में बैठा हुआ है। तो अभी यूट्यूबर पर आप क्या देखते हो, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूबर देखते हो, हर यूट्यूबर की कहानी बता रही हूँ मैं आज आपको। क्या आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हो, एक लड़की देख रहे हो, एक लड़का देख रहे हो जो यूट्यूब पे बोलता है, बातें करता है, कोई चीज़ आपको दिखाती है, कोई चीज़ आपको सिखाता है। तो व्लॉग्स में तो क्या है कि आते जाते लोग बना लेते हैं, डेली में जो कर रहे हो वो रूटीन आप को दिखाते हैं, बट जैसे कोई दूसरे टॉपिक पर जो वीडियोज़ बनाते हैं उनको एक थोड़ा शांत माहौल चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, सोचने के लिए थिंकिंग चाहिए होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी होती है जिसके लिए उनको थोड़ा बहुत तो टाइम देखो स्पेशल चाहिए होता है। और हम जैसे हाउसवाइफ जो करती हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो क्या है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं भैया घर में, ऊपर से हाउसवाइफ है तो घर का भी पूरा मैनेज करना होता है, बच्चे भी संभालना होता है, जिसके लिए चाहिए होता है टाइम। और दिन में कई बार इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, बट अगर आपने कोई चीज़ चालू किया तो उसको तो देखो टाइम देना पड़ेगा। और सही बताऊँ तो यूट्यूब पर जब से मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सक्सेस का मेरे प्रोसेस है, सक्सेस है, सक्सेस मिल रही है मुझे, बट एकदम से आप यहाँ और यहाँ नहीं पहुँच सकते ना, उसमें टाइम लगता है। तो ये मैंने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि नहीं भैया मुझे टाइम लगेगा, बट ये चीज़ को करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। और ऐसे स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा बोझ नहीं ले रखा है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रखी है कि मुझे सक्सेस अभी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कब मेरी वीडियो वायरल होगी, ऐसे कोई थिंकिंग नहीं है। सही बता तो हर यूट्यूबर को जो शुरू शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं ना यूट्यूब, हर किसी को ये थिंकिंग रखनी चाहिए, नहीं तो भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और ये फ़ोन ना मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिखाने है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ रात के बज रहे एक, आपको मैं घर ही में दिखा रही हूँ, फ़ोन में लेके ही बैठी हूँ, इसलिए कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लाइटिंग की वजह से फोकस नहीं दिख रहा है, दिख जा भैया। तो ये देखो 1:03, मतलब 1:03 हो गया, अभी रात हो रही है। तो अभी ना लड्डू सोया है और दिन में ना वो सच्ची में टाइम नहीं, ऊपर से त्यौहार नवरात्रि चालू हो गए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, कुछ कल अभी बैठा हुआ था, तो अभी वो सोया है और मैं थोड़ा सा अच्छा मूड लग रहा था, मैंने कहा चलो वीडियोस बनाए जाए, तो मैं टिप्स वाले चैनल के लिए वीडियोस बना रही थी, तो बैठे बैठे वो काम करना होता है, बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है, फिर उसी हिसाब से वीडियो शूट करनी होती है उसके लिए। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे दिन में जैसे अब मैंने टॉपिक सोची, अभी उसको वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारी सर्चिंग वर्चिंग करी, अब जैसे ही मैं वीडियोस बनाने के लिए बोलने के लिए बैठती वैसे ही वो उठ के बैठ जाता है, चिल्लाने लग जाता है, कैमरा का स्टैंड घिसता है, मुझे घिसता है, गोदी में आके बैठ जाता है, तो वो जो फोकस है वो हट जाता है। तो इसलिए जो ये काम है ना मुझे बहुत ज़्यादा सोच समझ के बहुत शांत माहौल में करना पड़ता है, उस चैनल के लिए काम करना पड़ता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट मज़ा आता है। देखो और बच्चे संभाला फर्स्ट मेरा काम है, सबसे पहला काम है, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है, तो अभी वो सो रहा है जनाब, इसलिए मैं इस टाइम पर बना रही हूँ। और दोनों ही चैनल पर मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा है। और ये वीडियो पता नहीं मैं क्यों बना रही हूँ रात के 1 बजे आप लोगों के साथ बातें कर रही, तो ये बस स्पेशली ये इसीलिए है कि जो लोग सोचते हैं ना कि अभी मैं यूट्यूब चालू करना चाहती हूँ, घर बैठे अगर आपको कोई काम करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, आप चालू कर दो, स्टार्ट कर दो। और कर रहे हो आप स्टार्ट कि आपने सोच लिया कि मुझे चैनल बनाना है और काम चालू करना है, चैनल ही क्या, आप कोई भी काम कर दो ना तो हर चीज़ में ग्रोथ के लिए सक्सेस के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मुझे भी मिल लगा 3000 और 1000 जो सब्सक्राइबर का जो टाइम था ना मुझे भी लगा। और मुझे सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि मैं बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, मैं इतना नहीं बोलती थी और भैया आजकल कैमरे के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, तो एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। पहले मुझे ना बोलने में बहुत सोचती थी, कैमरा की तरफ देख के बोला नहीं जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे अपने लाइफ में, मेरी जब से मैंने यूट्यूब के चैनल स्टार्ट किए हैं तब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, बहुत 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 ज़्यादा चेंजिंग आई है। और एक वो होता है ना कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, एक वो वाला काम हो रहा है, तो सही है भाई, अगर घर बैठे आप कर रहे हो जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, किसी को कुछ बुरा नहीं हो रहा, आपको खुशी मिल रही है, तो आपको वो काम करना चाहिए। मुझे तो इस काम से खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ।
फैमिली भी फुल सपोर्टिव है, बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई काम कर रहे हो तो आप फैमिली से कह रहे हो नहीं आप बच्चे संभालो, हस्बैंड कहती है मैं बच्चे संभालू, कहूँगी आप बच्चे संभालो मुझे मेरा काम करने दो, तो ये भी एक गलत है। मैं ही अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ तो जिसमें मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना होता है, और सही बताओ तो सही तरीका यही है, सब कुछ मैनेज करके चलोगे ना तो हर काम को करने में आपको मज़ा आएगा। तो स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाना, बिल्कुल नहीं बढ़ा, स्ट्रेस लेवल कम हो इसलिए आपको कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स 5 मिनट के ऊपर की वीडियो मुझे नहीं बनानी थी, तो बस आज के लिए इतना ही, गुड नाइट फ्रेंड्स। मुझे टॉपिक्स आ रहे तो उस चैनल के मुझे वीडियोस बनाने हैं, ये तो मैंने यूं ही चालू कर दिया कैमरा, तो सोचा चलो कुछ बात कर लेते हैं, गपशप कर लेते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।